हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सीडीएस मैथ प्रीवियस ईयर के अंदर सीडीएस 2022 के जितने भी अलजेब्रा के क्वेश्चन आए थे उनका कंप्लीट एनालिसिस। इसके साथ ही यहाँ पर आपको सबको ये बता देता हूँ कि सीडीएस मैथ पीवाईक्यू के अंदर हम टॉपिक वाइज यहाँ पे और ईयर वाइज यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे सीखना चाहता है कंप्लीट अर्थमेटिक फॉर सीडीएस या फिर किसी और एग्जाम के लिए, तो फिर दौसी बैच को लगा सकते हैं। लिंक आपको सारे के सारे प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएंगे। जो भी आप पढ़ना चाहते हैं टॉपिक लाइक परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑन एज, तो ये सारे के सारे टॉपिक वन बाय वन अवेलेबल है वहां पे। आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं वहां से पढ़ सकते हैं। एक वीडियो के अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर होगा, जैसे पहले बेसिक, फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर उसके बाद कुछ शॉर्टकट या फिर कुछ इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो सारे के सारे ऐड है इसके अंदर। मतलब एक वीडियो के अंदर आपका पूरा का पूरा यहाँ पे चैप्टर ऐड है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे यूनिट डिजिट सीखना चाहते हैं नंबर सिस्टम के अंदर, या फिर आप नंबर ऑफ जीरोस का कंसेप्ट या रिमाइंडर सीखना चाहते हैं, कंप्लीट नंबर सिस्टम सीखना चाहते हैं, तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रिकॉर्डेड सेशन है, वीडियो पॉज कर करके आपको सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल होगा। इसके अलावा ऐसे ही आपके पास अलजेब्रा के पूरे कंसेप्ट अवेलेबल है। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री है, अगर आप सीडीएस के ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हैं शॉर्टकट के साथ ट्रिग्नोमेट्री है, उसको पढ़ सकते हैं। फिर आ जाती है बात हमारे पास सीडीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। अगर मैं बात करूं लॉगरिथम, तो लॉगरिथम तो सारा ही मैंने यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर में प्रोवाइड करवा दिया है 2007 से लेकर 2021 तक। इसके अलावा जैसे 2022 हो गया, 2021 का सेकेंड पेपर हो गया, तो ईयर वाइज आपको यहाँ पे तीन तीन चार चार घंटे की वीडियो सीडीएस के रिलेटेड मिल जाएगी। पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपको अवेलेबल है। आप एक बार इसको प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेक करें। सर्ड इंडाइसेस भी अवेलेबल होगा और ज्योमेट्री के सेशन भी आपके यहाँ पे पूरे के पूरे ऐड है, बेसिक टू हाई लेवल, ताकि आपको यहाँ पे कंसेप्ट वाइज हर एक चीज मिलती रहे। अगर मैं बात करूँ प्लेलिस्ट की, तो प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे प्लेलिस्ट यहाँ पे ऐड है। जो भी आप पढ़ना चाहते हैं लाइक सीडीएस के ओरिएंटेड पढ़ना है या शॉर्ट्स वीडियोस देखनी है या फिर आपने सी सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, रीजनिंग पढ़नी है, तो काफी प्लेलिस्ट ऐड है। जो भी आप पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस टेलीग्राम चैनल की। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मेरा वीडियो का अपडेट होगा, कौन सी वीडियो कब आएगी, सारा डिटेल एनालिसिस आपको यहाँ पे प्रोवाइड होता है। वहां पर अपना डाउट सेंड करके भी आप अपना डाउट भी टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके पास सर्ड इंडाइसेस से रिलेटेड होगा, तो नंबर सिस्टम में कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे मिक्स रखेंगे, यहाँ पे अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन और यहाँ पे नंबर सिस्टम और सर्ड इंडाइसेस के मिक्स क्वेश्चन ऐड करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। देखो अगर मैं इसके कंप्लीट बेसिक की बात करूंगा तो बेसिक अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे, बेसिक के लिए आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, जैसे कि सर्ड इंडाइसेस या अलजेब्रा, वहां पे आपको शॉर्टकट समझाए जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपके पास 2020 अप टू 100 इनफाइनाइट तक अवेलेबल होगा, तो बीच में अगर प्लस प्लस का सिंबल है तो आपने ये देखना था कि 20 कब हमारे पास आएगा, जब मैं दो नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो होगा 4 एंड 5। वैसे तो 2 और 10 को मल्टीप्लाई करने पे भी 20 आएगा, 1 और 20 को मल्टीप्लाई करने के बाद भी 20 आएगा, बट हमने हमेशा इनके बीच का गैप जो है वो एक लेना होता है, ठीक है, इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो एक का गैप क्यों लेना है वो आपको कंप्लीट वीडियो के अंदर पता चलेगा। और बीच अगर हमारे पास यहाँ पे प्लस 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 का सिंबल होगा तो हमारे पास आंसर बड़े वाला होता है, अगर माइनस 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 का सिंबल होगा तो आंसर छोटे वाला होता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा एक्स का स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 5। ये 20 इधर जाके 5 में ऐड होगा तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, और एक्स का स्क्वायर है, दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ से 5 निकलेगी। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। मतलब अगर आपको ये कंसेप्ट पता है क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका अलजेब्रा के बेस के ऊपर फिर से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसको सीखने के लिए या तो आप इसके अंदर वैल्यू इमेजिन करके कर सकते हैं, और इस कंडीशन का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप वैल्यू इमेजिन करेंगे, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन के लिए सी एन डी रूल को भी ध्यान में रख सकते हैं। सी एन डी रूल क्या होता है, अगर न्योमिनेटर बाय डिनोमिनेटर होगा, यहाँ पर सी बाय डी होगा, तो न्योमिनेटर के अंदर एक बार आपको डिनोमिनेटर ऐड करके लिखना होगा, एक बार आपको माइनस करके लिखना होगा। यहाँ पर भी आपको एक बार डिनोमिनेटर ऐड करके और एक बार माइनस करके लिखना होगा, इसको हम यहाँ पे सी एन डी रूल से रूल के नाम से याद रखेंगे। यहाँ पर आप चेक करोगे तो एक बार आप न्योमिनेटर को तो ऐसे लिखोगे, एक बार आप डिनोमिनेटर इसमें ऐड करेंगे, और एक बार आप यहाँ पे न्योमिनेटर को ऐसे लिखेंगे, एक बार आप यहाँ पे डिनोमिनेटर को माइनस करेंगे, ठीक है।
यही पोर्शन आपके पास यहाँ पे राइट साइड लगेगा। एक बार आप न्योमिनेटर को ऐसे लिखेंगे, डिनोमिनेटर इसके अंदर ऐड करेंगे, और एक बार न्योमिनेटर लिखने के बाद इसको आप डिनोमिनेटर को माइनस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप चेक करोगे तो ऊपर तो आ जाएगा ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आपके पास सी प्लस ट्वाइस ऑफ डी प्लस ए, बट नीचे वाले पोर्शन में आप चेक करोगे तो बी से बी कट जाएगा माइनस अंदर जाते, और ये हमारे पास आएगा यहाँ पर ए माइनस सी, यहाँ से डी कट जाएगा, यहाँ पर आएगा सी माइनस ए, उन दोनों में से माइनस को बाहर निकालेंगे तो ए माइनस सी बचेगा जो इससे आपका कट जाएगा, माइनस वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे आएगा ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ टू डी माइनस ऑफ ए। ये तीनों के तीनों पोर्शन आपके इधर आके ऐड होंगे, तो ए के साथ ए वाला ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए, फिर ऐसे ही आपके पास ट्वाइस ऑफ ये तो था ही भी, फिर सी इधर आके ऐड होगा तो ये भी ट्वाइस हो जाएगा, डी इधर यहाँ पे टू टाइम्स है यहाँ पे टू डी हो जाएगा, तो टू हर बार आएगा तो आप इसको कॉमन निकालोगे तो ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो टू अगर इधर जीरो से डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड इक्वल टू जीरो। दैट इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर चलते हैं, ये भी आपका इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा प्रोपोर्शन का मतलब पता होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास ये वाला प्रोपोर्शन है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ये हमारे पास यहाँ पर किसके प्रोपोर्शन है, इस टाटा के प्रोपोर्शन है, तो यहाँ पर ए का स्केयर माइनस बी के स्केयर के प्रोपोर्शन है। आपसे पूछा गया ये किसके प्रोपोर्शन में होगा, इसके लिए आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए प्लस बी, और यहाँ पे आएगा ए का स्केयर माइनस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी का स्केयर, ये इसका फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे ही आप इसका फॉर्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर का लगा सकते हैं, दैट इज ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा, तो आप चेक करेंगे ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर ये किसके प्रोपोर्शन में आएगा, यहाँ पर ए माइनस बी के आएगा, ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर फोर के ऊपर चलते हैं, ये भी आपके लिए इजी क्वेश्चन है, बस इसके अंदर या तो जैसे मैंने अभी आपको सी एन डी रूल समझाया था उस तरीक उसको आप अप्रोच में यहाँ पे रखेंगे, तो ये डाटा आपके पास अगर आप सी एन डी रूल डायरेक्ट लगाएंगे तो ये आपके पास बन के आएगा रूट ऑफ एक्स प्लस 20 डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 7/3। ये मैंने आपको डायरेक्ट इसका सी एन डी रूल लगा के दिखाया हुआ है, इसमें आप ऐड करेंगे और इसमें आप इसको माइनस करेंगे, ठीक है। अगर सी एन डी रूल नहीं आता तो सेकेंड क्वेश्चन में आपको बताया था। उसके अलावा आप यहाँ पे चेक करेंगे रूट ऑफ एक्स प्लस 20 डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स माइनस 1 विच इज इक्वल टू 10/4, कट करेंगे तो 5/2 आएगा, फिर आप दोनों साइड स्केयर लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वहां से आपके पास एक्स की वैल्यू आएगी। एक तो यही तरीका होगा हमारे पास एक्स वैल्यू फाइंड करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप इस एक्स की वैल्यू को इमेजिन कर लो, यहाँ पे सबसे पहला नंबर क्या सोचा जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर है, रूट के अंदर आप जीरो तो रख नहीं सकते क्योंकि माइनस वन हो जाएगा। अगर माइनस वन का रूट होता है इसका मतलब होता है कि यहाँ पर माइनस वन है और वन है इसका रूट होगा, और माइनस वन को ये रूट को हम यहाँ पे उल्टा के फॉर्मेट में लेकर आएंगे, तो वो हमारे सिलेबस में का पार्ट नहीं है, तो इसके लिए आप यहाँ पे जीरो नहीं रख सकते, वन रख लो। अगर आप वन रख के देखोगे यहाँ यहाँ पे तो रूट ऑफ 21 बचेगा, ये तो जीरो हो जाएगा, रूट ऑफ 21 सेवन तो नहीं हो सकता, तो फिर इसका मतलब एक्स गलत फिल किया है। फिर आप टू थ्री फोर फाइव फिल करके देखो, फाइव से आगे फिल नहीं करना होता, उसके अलावा आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स को जब आप यहाँ पे फाइव फिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25, 20 के अंदर 5 ऐड करेंगे 25, 25 का रूट कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे 5 ऐड करेंगे 5 माइनस 1 4, 4 का रूट करेंगे 2, तो इसका मतलब 7 आ तो रहा है यहाँ पे। और डिनोमिनेटर में चेक करेंगे वहां पर आपके पास यहाँ पे चेक करने के बाद आएगा 3 और 7, इसका मतलब x 5 रहा होगा, इसको सीधा यहाँ पे फिल करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन के आएगा, यहाँ पे रूट ऑफ 25 इंटू 4, रूट ऑफ 25 का मतलब 5, और रूट ऑफ 4 का मतलब इक्वल टू 2, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, ये आपके सही क्वेश्चन का आंसर होगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव के ऊपर चलते हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन काफी इजी है, तब जब आपको वैल्यू फिल करना आता होगा, जब आपके पास यहाँ पे फैक्टर से रिलेशन पूछा गया है तो आपको यहाँ पर कोई ना कोई नंबर ए बी सी के सोचने होंगे, अदरवाइज आप इसको बेसिक से करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ए का यहाँ पे स्केयर करके इसको बेसिक से भी आप इसको मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक से करेंगे काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू यहाँ पे 2 और सी की वैल्यू को 3 रख के देखो, यहाँ पर आप रखोगे देखो ए इंटू बी मतलब इसका 1 इंटू 2 तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस बी इंटू सी मतलब 2 इंटू 3 दैट इज ए 6, फिर आएगा सी इंटू 1 सी इंटू ए मतलब 3 इंटू 1 करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 3 विच इज इक्वल टू 11, तो 11 चेक करना है क्या इसका फैक्टर होगा,
इस फैक्टर को देखो आप या तो इसको वन बाय वन पूरा फिल करके लिखो या फिर आप डायरेक्ट लिखो। देखो ए का स्केयर मतलब वन का स्केयर वन, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उसने लिखा है बी माइनस सी का क्यूब, बी माइनस सी कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे माइनस वन, माइनस वन का क्यूब करेंगे तो माइनस वन ही आएगा, प्लस बी का स्केयर मतलब टू का स्केयर दैट इज फोर। फिर लिखा है सी माइनस ए, सी माइनस ए कितना हो जाएगा टू, टू का क्यूब यहाँ पे लिखना है हमें, तो यहाँ पे टू का क्यूब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एट, तो फोर इंटू एट करेंगे यहाँ पे 32, क्लियर। फिर आएगा सी का स्केयर मतलब थ्री का स्केयर नाइन, फिर आएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब माइनस वन, माइनस वन का क्यूब करेंगे तो माइनस वन। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस वन माइनस टेन और ये हो जाएगा 32, तो ये प्लस का 22 आएगा। इसका मतलब 11 जो है यहाँ पे 22 का फैक्टर है, यस डेफिनेटली है, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही होगा, क्लियर। फिर आप दूसरे ऑप्शन के ऊपर आ जाएंगे। एक्चुअली में ध्यान से देखेंगे तो दूसरा ऑप्शन में ये वाली वैल्यू सेम ही है जो ऊपर है, तो ये तो हमें पता ही है कि ये 22 आएगा, इसको दोबारा से सॉल्व नहीं करेंगे, सीधा चेक करेंगे यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू वन प्लस टू प्लस थ्री दैट इज ए सिक्स, सिक्स इज ए नॉट ए फैक्टर ऑफ ए 22, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सेकंड इज ए रॉन्ग, तो ऑप्शन नंबर वन इज ए ओनली ट्रू, क्लियर। क्वेश्चन नंबर सिक्स के ऊपर चलते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका इजी है अगर आपको वैल्यू फिल करना आता है, अदरवाइज आप इसके अंदर इन तीनों का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बट ध्यान रखना जब आप इसमें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेते टाइम आपने गलती नहीं करनी, जैसे यहाँ पे एक्स माइनस वाई है तो यहाँ पे भी आपके पास एक्स माइनस वाई ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नहीं है तो यहाँ पे माइनस वन के हिसाब से आपको इसको रीअरेंजमेंट इसकी करनी पड़ेगी, तो अदरवाइज आपका आंसर क्या आएगा, गलत आएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो जैसे y माइनस जेड है तो यहाँ पे भी आपके पास y माइनस जेड x माइनस जेड होना चाहिए, अदरवाइज आपका आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। या फिर आप इसके अंदर वैल्यू फिल कर सकते हैं, जैसे x इज इक्वल टू वन, y इज इक्वल टू टू और z इज इक्वल टू थ्री फिल करेंगे, तो यहाँ पे आप डाटा चेक करेंगे तो वन बाई यहाँ पे आएगा मेरे पास वन, x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई करेंगे तो माइनस वन, एक्स माइनस जेड करेंगे तो मेरे पास आएगा माइनस का टू। ऐसे ही आप यहाँ पे चेक करेंगे वन बाय वाई दैट इज टू, y माइनस जेड दैट इज माइनस वन, y माइनस एक्स इज इक्वल टू वन, क्लियर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे प्लस वन बाई जेड, जेड हमारे पास थ्री आएगा, जेड माइनस वाई इज इक्वल टू वन, जेड माइनस एक्स भी था यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे टू भी आएगा, क्लियर। तो आप इसको माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा तो वन बाय टू यहाँ पे आएगा मेरे पास माइनस वन बाय टू, ये कट जाएगा और लास्ट में आपके पास आएगा वन बाय सिक्स। तो एक्स वन वाई टू जेड थ्री फिल करने पे ये वन बाय सिक्स आया, तो इसको आप यहाँ पे फिल करेंगे ये भी आपके पास वन बाय सिक्स आएगा, ये माइनस वन बाय सिक्स आएगा, इसका मतलब थर्ड आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर सेवन के ऊपर चलते हैं, इसको भी आपने सिंप्लीफाई करना है, ये काफी इजी क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं, या तो आप इस सभी में से आप इसके फैक्टर निकाल के सॉल्व कर लें या फिर आप इसके अंदर एक्स को जीरो फिल करके देखो। एक्स को जीरो फिल क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे आप ऑप्शन में चेक करोगे जीरो होगा, ये माइनस टू होगा, कब जब आप जीरो फिल करेंगे एक्स को तब, ये मेरे पास प्लस रूट टू रूट थ्री आएगा, ये आएगा टू रूट माइनस में, ठीक है। तो जब आप एक्स को जीरो फिल करेंगे तो आप देखो ये तो जीरो ही हो गया और जीरो डिवाइड बाय समथिंग इज इक्वल टू जीरो, तो ये डेफिनेटली आपका ऑप्शन नंबर ए रहा होगा, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अदरवाइज आप इसके अंदर एक्स को वन टू थ्री जो भी आपका दिल कर रहा है आप इसके अंदर फिल करके देखिए, आंसर आपका यही आएगा, या फिर आपको फैक्टर निकाल के थोड़ा लेंथी करना पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर आठ के ऊपर चलते हैं, एट्थ नंबर क्वेश्चन भी आपका इजी है, तब तक जब तक आपको इसकी वैल्यू इमेजिन करनी यहाँ पे आती है, तो नहीं तो ये क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट में एक हो जाएगा। जैसे एक्स को टू, एक्स को यहाँ पे टू मान लो, वाई को यहाँ पे वन मान लो, जेड को जीरो मान लोगे तो ये सेट, ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू रहेगी। उसने ये लिखा है कि ऐसा करने पे क्या ये पॉजिटिव रहेगा, तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू हमने 2 रखनी है, तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा मेरे पास 16। फिर आगे लिखा है y माइनस जेड, तो y माइनस जेड 1 हो जाएगा प्लस, फिर हमें यहाँ पे y की वैल्यू चेक करनी है, y की पावर यहाँ पे 4 है तो 1 की पावर 4 1 हो जाएगा, जेड माइनस एक्स करेंगे तो जेड माइनस एक्स करेंगे तो मेरे पास माइनस का 2 आएगा। फिर हमारे पास है यहाँ पे जेड की पावर 4 मतलब 0 की पावर 4 0, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग विल बी 0, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास प्लस का 14 आने वाला है यहाँ पे, क्लियर। आई होप सबको इतना सा पार्ट जो है वो समझ आया होगा, और ये प्लस का आ रहा है मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो ये आपका सही है। फिर ऐसे ही आप यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट को भी चेक करने की कोशिश कर सकते हैं, बट उसमें कंडीशन अलग दे रखी है, इसमें जेड को यहाँ पे, वाई को यहाँ पे, एक्स को यहाँ पे रखना पड़ेगा जीरो, क्योंकि जो स्टेटमेंट है उसको वेरीफाई करना जरूरी है। यहाँ पे आप एक्स को जीरो रखोगे, जीरो मल्टीप्लाई एनीथिंग विल बी जीरो, प्लस वाई की पावर 4 है मतलब 1 की पावर 4,
जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स का मतलब हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 2 माइनस 0 प्लस जेड की पावर 4, जेड की पावर 4 का मतलब है 2 की पावर 4, यहाँ पे आएगा एक्स माइनस जीरो का मतलब है -1। सिंपलीफाई करेंगे यहाँ पे हमारे पास 2 हो जाएगा और यहाँ पे आएगा -2 की पावर 4, -2 की पावर 4 का मतलब है -16, इसका मतलब -14, और ये स्टेटमेंट नेगेटिव में आ रही है, डेफिनेटली ये नेगेटिव में ही आ रही है, तो ये भी आपके पास ट्रू है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन भी आपका स्टेटमेंट वाइज है, अगर आप वैल्यू फिल्ड करेंगे तो काफी इजी होगा, अदरवाइज इसमें आप क्वाड्रेटिक निकाल के इसके डिस्क्रिमिनेट डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला लगा के d = b² - 4ac उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको वैल्यू फिल से करना चाहूंगा, आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। सबसे पहले आप x को इक्वल टू 1 रखेंगे, तो जब आप यहाँ पे x को इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या माइनस ट्वाइस ऑफ पी प्लस क्या इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पी इज इक्वल टू क्या आएगा, ठीक है। हमने x को 1 रखा तो पी इज इक्वल टू क्या हमारे पास बन के आया। तो यहाँ पे चेक करेंगे क्या ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू बन रही है या नहीं बन रही। अगर p इज इक्वल टू क्या होगा तो इसमें आप चेक करोगे इक्वल टू x की वैल्यू तो 1 आएगी अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो p प्लस क्या ये हमारे पास रूट में है, और ये भी हमारे पास यहाँ पे रूट में है p प्लस क्या, और ये हमारे पास p माइनस क्या है। अगर p क्या इक्वल टू होंगे यहाँ पे रखेंगे तो ये मेरे पास 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो स्टेटमेंट सिर्फ इतनी ही बचेगी मेरे पास, और ये आपस में कट जाएगा, 1 के बराबर आएगा, इसका मतलब ट्रू आपके पास स्टेटमेंट पहली होगी। फिर आप दूसरी स्टेटमेंट को फॉलो करोगे तो ये देखोगे आप यहाँ पे p इक्वल टू क्या हुआ है तो ये 0 हो गया, और p इज इक्वल टू क्या हुआ है तो कट के मेरे पास यहाँ पे 1 आएगा, और x 1 हमें माना ही था, तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। बट थर्ड स्टेटमेंट में डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, समथिंग बाय 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो यहाँ पे x आपका 1 बन के नहीं आया, तो थर्ड आपके पास गलत हो जाएगा, तो पहली दो स्टेटमेंट आपके ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं, ये भी आपका लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको आप बेसिक से एक बार सॉल्व करना चाहें वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। जब भी आपके पास स्क्वायर रूट या क्यूब रूट कुछ भी वैल्यू आते हैं इसको आप इस साइड लेकर जाएंगे, ये अलजेब्रा का एक फिक्स पैटर्न है, ठीक है, अलजेब्रा का फिक्स पैटर्न है, और इसकी वैल्यू जो हमारे पास आएगी अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर कर देंगे, अगर क्यूब रूट है तो क्यूब कर देंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा मेरे पास यहाँ पर ए का स्क्वायर माइनस ऑफ बी का स्क्वायर, सॉरी ए का स्क्वायर प्लस ऑफ बी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी, यही वैल्यू बन के आएगी मेरे पास विच इज इक्वल टू 4। अब जब ये वैल्यू बन के आई है लास्ट में देखो पूछा क्या हुआ है, लास्ट में हमारे पास डाटा जो पूछा हुआ है वो है कि एक्स की पावर 4 प्लस 16 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4। अगर हमें ये चीज फाइंड करनी है तो इसका रेसिप्रोकल ढूंढना पड़ेगा, रेसिप्रोकल क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे एक्स प्लस 2 बाई एक्स, क्योंकि इसका स्केयर करेंगे तभी आपके पास ये पोर्शन बन सकता है, और यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे एक्स की पावर 2 और यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे 2 और यहाँ पे आएगा मेरे पास 2, इसके साथ जो है ये वाला डाटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × x / √2 लिख लेते हैं विच इज इक्वल टू 4, क्लियर। सो अब ये 2 है हमारे पास यहाँ पर, ये इधर चला जाएगा तो इससे हमारे पास डाटा निकल के आएगा x² माइनस ऑफ 2 × √2 विच इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये वाला जो 2 है इधर आके 4 में से माइनस होगा तो ये 2 बच जाएगा। अब इसे डाटा में से आपको फाइंड क्या करना था, ये वाला डाटा, ठीक है, तो ये वाला डाटा बनाना भी पड़ेगा आपको, बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर ये वाला डाटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेट करने के लिए आप इस पूरी स्टेटमेंट को यहाँ पे एक बार एक्स से डिवाइड कर दो, अगर आप एक बार एक्स से इधर डिवाइड करेंगे एक बार एक्स से इधर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x - √2 विच इज इक्वल टू 2 बाई एक्स, और ये डाटा आपके पास लेफ्ट साइड आएगा x - 2 बाई एक्स विच इज इक्वल टू 2√2। आई होप सबको इतना सा स्टेटमेंट समझ आया होगा कि x - 2 बाई एक्स विच इज इक्वल टू 2√2। तो यहाँ से इसको आगे बढ़ाने के लिए आपको इसका स्केयर करना है तभी हमारे पास ये पोर्शन आ सकता है, तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए a - 1 / a इज इक्वल टू, अगर n होगा तो इसके लिए अगर a² + 1 / a² करेंगे तो ये डाटा मेरे पास यहाँ पे n का स्केयर यहाँ पे प्लस का 2 होता है, ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई 1 होता है जो यहाँ पर रखा जाता है वो वाला। तो अगर मैं यहाँ पे इसका स्केयर करूंगा तो इसका x² + 4 / x² तो हो जाएगा, यहाँ पे 2√2 भी आएगा और प्लस में 2 आएगा, और ये साथ में आपके यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ऐसा क्यों होता है अलजेब्रा के अंदर आप बेसिक्स के अंदर सीख सकते हैं। तो x² + 4 / x² विच इज इक्वल टू यहाँ पे, सॉरी हमें इसका भी स्केयर करना था, यहाँ पे इसका स्केयर करेंगे n का स्केयर करेंगे तभी तो आगे फॉर्मेट बनेगा, तो ये 8 + 4 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 12, और इसके लिए मैं अगर आगे लेकर जाता हूँ इसकी पावर 4 करता हूँ, मतलब यहाँ पर आगे फिर से इसका स्केयर करता हूँ
तो प्लस से प्लस जाएंगे तो यहाँ पे हो जाता है 12 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाता है, और ये वाला 4 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, विच इज इक्वल टू 144 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 136। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपका फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करके इन वैल्यू को रखेंगे तो आपका आंसर इजी आएगा, बट फॉर्मूले के अलावा आपको वैल्यू फिल वाला अप्रोच भी आना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आप ए को 1 मान लो, बी को 0 मान लो और सी को भी 0, या फिर आप ए को 1, बी को 2, सी को 3 मान के करना चाहते हैं, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे बी और सी को 0 मानेंगे तो एक्स की वैल्यू आपके पास 0 आएगी और वाई की वैल्यू यहाँ पे आएगी सी प्लस 1। सी प्लस सी मतलब 0, 0 प्लस ए करेंगे मतलब 0 प्लस 1 करेंगे 1, ऐसी जेड है ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब जेड इज इक्वल टू 1। इस डाटा को यहाँ पे रखेंगे, जब आप यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास ये तो 0 हो गया और ये 1 1 है, तो 1 प्लस 1 2, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। क्लियर। माइनस यहाँ पे 24 इंटू, अगर मैंने यहाँ पे एक्स को 0 रखा तो ये सारे 0 हो जाएगा, तो ये सारे 0 हो गया तो ये डाटा नहीं बचेगा, सिर्फ 8 ही बचेगा यहाँ पे फिल करने पे ये डाटा। उसके अलावा आप इन तीनों वैल्यू को अप्लाई करो ऑप्शन में। अगर आप अप्लाई करोगे ऑप्शन में दिख रहा है कि डी इज द राइट, सी इज द राइट आंसर, क्योंकि जब यहाँ पे आप 8 रखोगे और ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी रखी है 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 0, इनका क्यूब होगा तो वो उतना ही रह जाएगा, तो हमारे पास आंसर 8 के बराबर 8 सिर्फ सी ऑप्शन देगा। अदरवाइज आप फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं, या तो वैल्यू फिल से कर सकते हैं या फिर सीधा देखें कि यहाँ पे ट्वाइस ऑफ बी की वैल्यू वैल्यू गिवन है हमारे पास, तो ट्वाइस ऑफ बी की वैल्यू यहाँ पे फिल करेंगे तो ये आएगा मेरे पास बी प्लस सी, यहाँ पे आएगा सी प्लस टी, और यहाँ पे जो बी सी की वैल्यू है वो मेरे पास है यहाँ पर ए प्लस सी और ये इसके साथ डी। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा मेरे पास बी प्लस सी बी सी और यहाँ पे सी डी विच इज इक्वल टू ए डी और यहाँ पे डी सी। तो क्या पता आपके पास यही आपका आंसर बन के आए, तो इसको आप ऑप्शन में चेक करें, बट ऑप्शन में आपके पास एक डाटा 0 में गिवन है। क्लियर। अगर ऐसे आपके पास डाटा 0 में गिवन है तो आपको रीअरेंज करना पड़ेगा। जैसे कि आप चेक करेंगे तो हमारे पास ए डी या फिर ए सी चाहिए, तो आप चेक करो ए के साथ कौन सा पोर्शन गिवन है। ए के साथ डी पोर्शन गिवन है तो ए सी और ए बी वाला गलत आंसर है, तो इन दोनों में आंसर होगा कोई ना कोई। फिर आप चेक करेंगे यहाँ पर कि हमारे पास यहाँ पर बी सी नहीं है और यहाँ पर इन्होंने बी सी का डाटा पूछा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पर ए डी को ऐसे ही रखूंगा और ये डी सी वाला डाटा जो है, ये डी सी वाला डाटा जो है इसको मैं इधर लेकर जाऊंगा, तो यहाँ पर आप चेक कर लोगे वैसे ये सी डी का डाटा इससे कट जाएगा विच इज इक्वल टू बी सी, सीधा बन रहा है, तो ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका दूर से क्लियर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन के अंदर हम यहाँ पे दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 13 एंड 14। उसके लिए स्टेटमेंट गिवन है और आपसे यहाँ पे दो स्टेटमेंट यहाँ पे पूछी गई है। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहे कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें से देखो, अगर इन दोनों में से मैं 6 को कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे बचेगा एक्स का स्केयर प्लस 1 बाई एक्स का स्केयर डाटा बचेगा, और यहाँ से अगर मैं माइनस के 25 को बाहर निकालूंगा तो अंदर बचेगा मेरे पास एक्स माइनस 1 बाई एक्स विच प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए आपको एक डाटा पता होना चाहिए कि अगर मैं x माइनस 1 बाई एक्स को अगर मैं a के बराबर फिल करूंगा तो इसका स्केयर करने पे x का स्केयर प्लस में लेकर आऊंगा अगर x का स्केयर, तो इसका आंसर होता है a का स्केयर प्लस 2। ये आपको फॉर्मेट आना जरूरी है, ये अलजेब्रा की बेसिक क्लास में मैंने बताया हुआ है। इसको जब आप यहाँ पे फिल करेंगे तो 6 ऑफ a का स्केयर प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस में 25 ऑफ ए प्लस में 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्रॉस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 6 ऑफ ए का स्केयर प्लस 12 माइनस 25 ऑफ ए प्लस ऑफ 12 विच इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास आएगा 6 ऑफ ए का स्केयर माइनस 25 ऑफ ए प्लस यहाँ पे 24 इक्वल टू 0। मतलब जोड़ घटाव करने के बाद माइनस का 25 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने के बाद 24 इंटू 6 आना चाहिए, ये आपके पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी। ठीक है, आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाओगे इजीली आपका आंसर आ जाएगा, बट अगर आपको क्वाड्रेटिक नहीं आती है तो उसको बेसिक कैलकुलेशन में मैंने समझाया, वहां से भी आप जाके उस कैलकुलेशन को कवर कर सकते हैं। यहाँ से आफ्टर कैलकुलेशन जो ए की वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे पास यहाँ पे 8/3 और ए की वैल्यू एक और आएगी मेरे पास यहाँ पे 3/2। क्लियर, दो वैल्यू मेरे पास यहाँ पे ए के निकल के आएंगी। अगर इनमें से दोनों में से चेक करूँ तो ए हमारे पास था क्या, ए मेरे पास था एक्स माइनस 1 बाई एक्स विच इज इक्वल टू 8/3, यहाँ पे आएगा x माइनस 1 बाई एक्स विच इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पे 3/2 ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे 8 वाला ऑप्शन ही है, तो 3 वाला आंसर होगा, ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। फिर आप इसका यहाँ पे स्केयर निकालोगे,
अगर स्केयर निकालोगे तो हमें पता है कि इसका स्केयर का फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट होता है जो हमारे पास वेरिएबल गिवन है इसका स्केयर प्लस में 2 आएगा, अगर माइनस 2 प्लस जाएंगे तो। सिंपलीफाई करेंगे यहाँ पे 9 आएगा, तो इसको सिंपलीफाई करेंगे 18 18 आप इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये आएगा 82/9। तो ऑप्शन नंबर आपके पास यही दिख रहा है, अगर आप इसका स्केयर करेंगे तो वो ऑप्शन में था ही नहीं, तो मतलब इसका आंसर डी होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर, आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा। जल्दी हम यहाँ पे 2021 के और बाकी जो टॉपिक बचे हुए हैं अल्जेब्रा के रिलेटेड या सीडीएस के ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस के, तो वो भी आपके ईयर वाइज यहाँ पे शुरू कर देंगे, उसका भी बेनिफिट आप आने वाले टाइम में यहाँ से ले सकते हैं। तो इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल से शेयर करें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।